चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफल उतरे, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मठ बागंभरी गद्दी में संतों और बटुकों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन, पूजन और रुद्राभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की चंद्रयान 3 चांद पर सफल हो, जिससे हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए और विश्वगुरु बन सके। मठ के बटुकों ने हाथ जोड़कर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में महंत बागंभरी गद्दी बलवारी गिरी ने क्या कुछ कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज जो है श्री मठ बागंभरी गद्दी में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें हमारे यहाँ 51 ब्राह्मणों के द्वारा जो अभिषेक चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम से भी हवन किया जा रहा है। आज हमने प्रार्थना की भगवान शंकर से, भगवान नारायण से, कि जो आज हमने जो कल हमारा चंद्रयान 3 चंद्र ग्रहण पर जो लैंड करेगा, सफलतापूर्वक वो उस पर स्थान प्राप्त करे अपना, ऐसी हमने प्रार्थना की भगवान नारायण से, भगवान शंकर से, कि भारत विश्वगुरु विश्वरूप में और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके, सहजता के साथ, सरलता के साथ वो उस लैंड करे, ऐसी कामना की गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, मठ बागंभरी गद्दी में भोर ब्रह्म मुहूर्त से चल रही रुद्राभिषेक और हवन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किया जा रहा है। सभी बटुक और संत हवन कर रहे हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।